ओके सो हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी, आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो गाइस आप सभी का मेरे को काफ़ी दिनों से कमेंट आ रहा था कि यार भाई आप फोटो एडिटिंग में अपनी जो वीडियो है उसको आप कैसे एडिट करते हो, तो प्लीज़ यार हमें भी उसके बारे में थोड़ा बता दो ताकि हम भी वैसे एडिट कर पाएँ। तो गाइस आप सभी को मैं एकदम बिल्कुल अच्छी तरीके से बिल्कुल इस वीडियो में बताऊँगा कि आप सबको अपनी वीडियो कैसे एडिट करना है। तो बस यार वीडियो को बिल्कुल कंप्लीट देख रहे हैं, तो चलिए गाइस आज की इस नई वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस सबसे पहले जो है मैं अपनी वीडियो को जो एडिट करता हूँ मैं काइन मास्टर से करता हूँ। तो गाइस यहाँ पे मैंने अपने काइन मास्टर को ओपन कर लिया और आप सभी को दिख रहा होगा मैंने काफ़ी पहले वीडियो एडिट कर रखी है। तो गाइस आपको इस प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना है, एंड जो मैं अपनी वीडियो का साइज़ रखता हूँ मैं इस वाला ये वाला साइज़ रखता हूँ, ठीक है। एंड उसके बाद जो है शॉर्ट का वीडियो है जो मैं इसको बीच वाला जो है 9:16 वाला इसको मैं यूज़ करता हूँ। बाकी गाइस आप सबको ये यूट्यूब वाली वीडियो है जो हमारी एडिटिंग की इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप सबको मीडिया वाले ऑप्शन में जाकर यहाँ पे पहले मैं अपनी वीडियो को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो सॉरी गाइस मैं गलती से स्क्रीनशॉट ले लिया जो थंबनेल के लिए मैंने यूज़ किया था, तो मैं पहले यहाँ पे मतलब पहले स्क्रीन इसमें जाके अपनी मैं वीडियो का ले लेता हूँ, ठीक है। मैंने अभी इसका सुबह ट्यूटोरियल डाला था और अगर अभी तक आप सुन इसका ट्यूटोरियल नहीं देखा तो प्लीज़ इसका ट्यूटोरियल भी जाकर देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। तो उसके बाद गाइस आप सभी को मैं बता दूं आपको करना क्या। तो गाइस देखिए जैसे कि मेरी लेयर है यहाँ पे मैं इसको ले आया हूँ, तो आप सभी को मैं पहले बताता हूँ मैं पहले करता क्यों हूँ। पहले मैं मीडिया वाला ऑप्शन जाके जो मैंने थंबनेल है मेरा मैं उसको लेता हूँ पहले, ठीक है। जैसे कि मेरे ये वाला थंबनेल है तो मैं इसको ले लेता हूँ, एंड पहले इसको मैं यहाँ से क्रॉप वाले ऑप्शन में जाके इसको मैं पहले ना एक साइज़ में रख लेता हूँ ताकि ये कहीं भागे ना, ठीक है। तो पहले मैं इसको मैं रख लेता हूँ जहाँ तक मेरे को अपनी वॉइस डालनी होती है वहाँ तक मैं पहले इसका साइज़ रख लेता हूँ, एंड यहाँ पे डन कर देता हूँ। फिर उसके बाद मैं जाता हूँ इस लेयर वाले ऑप्शन में एंड इफेक्ट वाले ऑप्शन में, एंड यहाँ से मैं ब्लर वाले ऑप्शन को ये फर्स्ट वाला ब्लर है जो मैं इसको लेता हूँ, एंड उसके बाद यहाँ पे डन कर देता हूँ। एंड इसका फुल साइज़ करके एंड सेटिंग वाला ऑप्शन जाकर उसका साइज़ को एकदम अपोजिटिव फुल कर देता हूँ। एंड इसका जो मैं साइज़ है इसको थोड़ा कुछ इतना रख लेता हूँ, ठीक है, जहाँ तक मेरी जो ऊपर वाली लेयर है। एंड उसके बाद गाइस मैं इस लेयर वाले ऑप्शन में जाकर फिर मैं अपनी मीडिया में जाकर मैं यहाँ से अपनी फोटो को लेता हूँ जो मेरा थंबनेल होता है, ठीक है। जैसे कि आपको दिखा रहा हूँ मैं इसका फिर साइज और एंड इसका जो मैं गाइस एनिमेशन रखता हूँ उसको मैं कुछ रखता हूँ इसका जो एनिमेशन है जो इन एनिमेशन दिख रहा है आपको इस पे जाता हूँ, एंड ये पॉप वाला एनिमेशन है मैं इसको लेता हूँ हमेशा, ठीक है। आप सभी ने देखा होगा तो आप सभी को पता होगा कि मैं ये वाला ऑप्शन लेता हूँ। तो मैं इसके यहाँ पे पहले फुल स्क्रीन कर यहाँ तक कर देता हूँ जहाँ तक मेरे को मतलब कि मेरी स्पीकिंग जहाँ तक मेरे को बोलना है, ठीक है। उसके बाद गाइस मैं क्या करता हूँ उसके बाद मैं यहाँ पे डालता हूँ अपना इंस्टाग्राम का वो जो मेरे को इंस्टाग्राम का जो वीडियो है मेरा जो कि मेरे को आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो जो देखें तो वाला मैं वीडियो ला लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसके ऊपर मैंने प्रॉपर वीडियो बना रखी कि कैसे बनाना आप सभी को, तो वो भी देख लेना, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फिर गाइस जो नेक्स्ट में हमारा क्या आता है जो मैं डालता हूँ, तो गाइस जो मैं वॉइस डालता हूँ अपनी मैं कुछ इससे डालता हूँ, ठीक है, यहाँ से मतलब मैं वीडियो बनाते बनाते वॉइस नहीं डालता हूँ, मैं वॉइस डालता हूँ वीडियो बनाने के बाद, ठीक है। तो आपको यहाँ से जैसे कि गाइस देखिए यहाँ पे वॉइस डालनी स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो आप सभी को जैसे वॉइस यहाँ से डाल लेनी है, ठीक है, अगर आपको वॉइस डालनी नहीं आती तो। बाकी इसके बाद गाइस आप सभी को मैं फिर क्या करता हूँ उसके बाद जो है मतलब कि इसमें जो है मेरे को सब्सक्राइब का जो बटन डालना होता है उसके लिए मैं करूँगा ऐसे लेयर में जाता हूँ फिर इस मीडिया वाले ऑप्शन पे जाता हूँ। एंड उसके बाद गाइस यहाँ से मैं अपना जो सब्सक्राइब बटन का जो ऑप्शन है मैं उसको ले लेता हूँ, ठीक है। तो मैं पहले यहाँ से ले लेता हूँ, एंड गाइस सब्सक्राइब बटन का जो अगर चाहिए होगा आपको तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप ये भी डाउनलोड कर लेना। एंड क्रोमा की वाला ऑप्शन में जाता हूँ, एंड उसके बाद मैं इसको इनेबल कर देता हूँ। एंड यहाँ से देखिए गाइस ये मेरा जो इनेबल हो जाता है, ठीक है, तो ग्रीन वाला एरिया होता है वो हट जाता है, एंड मैं इसको यहाँ पे 50-50 कर देता हूँ, एंड ऐसे डन कर देता हूँ। देखिए गाइस ये जो है हमारा एकदम बराबर हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर सब्सक्राइब वाला ऑप्शन भी मैंने यहाँ पे लगा दिया है। और उसके बाद गाइस जो है मतलब कि यहाँ से देखिए गाइस मैं आप सबको दिखा देता हूँ पहले ये वीडियो को थोड़ा सा, तो मतलब ये सब्सक्राइब जो मेरा कैसा आता है देखिए गाइस, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से आपको मेरी वीडियो में दिखता है, ठीक है, जैसे कि अभी आपको दिख ही रहा होगा। और यार सब्सक्राइब का बटन देखा है तो अपने प्लीज़ यार अभी अगर तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लो, ठीक है। तो उसके बाद जो है गाइस मैं म्यूज़िक जो डालता हूँ मैं कुछ म्यूज़िक जो है ये म्यूज़िक भी चाहिए होगा गाइस तो मैं आपको ये म्यूज़िक भी दे दूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पहले तो इसको इतना कट कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है, हमेशा की तरह जैसे मैं यहाँ से कट करता हूँ। एंड जो इसका अमाउंट है मैं इसको म्यूज़िक का अमाउंट है जो उसको 13 तक रखता हूँ क्योंकि जो मैं मेरी वॉइस होती है यार क्योंकि वो भी आप सभी तक पहुँचे इसलिए मैं इसका जो अमाउंट है थोड़ा कम रखता हूँ, ठीक है। तो इतना करने के बाद गाइस जो मैं फिर क्या करता हूँ मैं यहाँ पे मतलब कि अपनी जो वीडियो है मेरी उसका जो मेरे को एनिमेशन जो डालना होता है जैसे कि मतलब कि आप मेरी वीडियो में देखते होंगे जैसे कि एकदम से जो ये वाला ऑप्शन आता है जैसे कि मैं आप सभी को दिखाता हूँ ये इस पर क्लिक करूँगा मैं। एंड इसके बाद जो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन है शेक इट वाला ये वाला ऑप्शन है जैसे कि आप सभी को वीडियो में देखा होगा। सॉरी गाइस यहाँ पे आप सभी को ये थोड़ा ढंग से दिखेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे हमारी फोटो है, तो मैं इसको यहाँ से पहले नॉन कर देता हूँ एंड इधर करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी को परफेक्ट दिख जाएगा, तो शेक इट में ये वाला फर्स्ट वाला लेता हूँ, ठीक है। एंड उसके बाद गाइस मैं थोड़ा वीडियो को चला के दिखाता हूँ आप सभी को यहाँ पे। तो गाइस आप सभी ने मेरी वीडियो में देखा होगा ये वाला इफेक्ट, तो ये वाला इफेक्ट मैं कैसे डालता हूँ मैं आप सभी को बताता हूँ। तो और ये आप सभी के काइन मास्टर में नहीं होगा मुझे पता है, या मैं कैसे यहाँ से पे लाता हूँ एंड मैं कैसे यूज़ करता हूँ मैं आप सभी को बताता हूँ। तो पहले तो आप सभी को इस पे मतलब कि इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है अपने जो माइनस वाला ऑप्शन है, एंड इसके बाद आप सभी को साइड सबसे नीचे आप सभी को एक गेट मोर का ऑप्शन दिखता होगा ये, ठीक है। तो आपको एक बार इस पे क्लिक कर देना है। तो पहले मैं आप अपने डाटा को ओपन कर लेता हूँ,
एंड उसके बाद मैं इसमें क्लिक कर देता हूँ गेट मोर पे। एंड उसके बाद जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपको दुनिया भर के यहाँ पे एनिमेशन मिल जाएंगे जैसे कि आपको चाहिए, ठीक है। जैसे कि आज ये हो गए एंड एक्शन वाले में आओगे तो एक्शन वाले में तो मतलब यार एकदम साउथ की मूवी की तरह वाले मिलते हैं, है ना, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। तो ये वाले एनिमेशन मैं यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ एंड फिर उसके बाद मैं वीडियो में यूज़ करता हूँ जैसा मेरा कोई भी अच्छा लगता है। तो जैसे कि आज आप सबको दिख रहा होगा आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो आप सबको अगर डाउनलोड करना हो तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। बाकी गाइज अभी तो हम यहाँ से इतना तो हमारा हो गया है तो अभी तो हम यहाँ पे डन कर लेंगे। एंड उसके बाद गाइज जो मेरा आगे जो मैं करता हूँ अपनी वीडियो में जो मैं सबसे लास्ट में एंड स्क्रीन लगाता हूँ, जैसे कि गाइज मैं आप सबको दिखा देता हूँ मेरा एंड स्क्रीन कैसा होता है। तो गाइज देखिए कुछ इस टाइप का मेरा एंड स्क्रीन होता है। तो ये मैंने गाइज कैसे बनाया है, ये मैंने गाइज खुद ही बनाया, मैंने कहीं से डाउनलोड नहीं कराया, ठीक है। तो ये मैंने कैसे बनाया मैं वो भी आप सभी को इसी वीडियो में बताऊंगा। तो आप सभी को कैसे बनाना है ये मैं आप सभी को बताता हूँ। तो गाइज पहले तो हम यहाँ से सबसे एंड में चलते हैं यहाँ से, ठीक है। तो सबसे एंड में जाएंगे एंड जो मतलब कि यार ये कैसे डाउनलोड किया मैंने पिक्सआर्ट के अंदर ही, लाइटरूम क्या बोल रहा हूँ यार आज, ये जो मैं कहाँ से यूज़ करता हूँ मैं और कहाँ से डाउनलोड करता हूँ काइनमास्टर के अंदर ही, तो मैं आप सभी को बताता हूँ। तो गाइज देखिए पहले तो हम यहाँ से इसको मतलब यहाँ से वीडियो को रोक के एंड यहाँ से हम एंड में चलते हैं। पहले तो हमें इसको यहाँ पे मीडिया वाला ऑप्शन में जाएंगे एंड अगर आपने कोई बैकग्राउंड डाउनलोड कर रखा तो आप वो डाउनलोड वाला भी ले सकते हो। बाकी आपको इसके अंदर भी काइनमास्टर के अंदर भी काफ़ी मिल जाएंगे। तो गाइज आप सभी को बता देता हूँ कि आपको कौन सा या जो सा आपको अच्छा लगे वो ले लेना, ठीक है। तो मैं जैसे कि ये वाला आपको यूज़ करके दिखा देता हूँ एक बारी। तो गाइज ये जो है आपको तो पहले तो 20 सेकंड का इसको बनाना होगा, तो उसको 20 सेकंड का पहले मैं यहाँ पे बना लूँगा, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे 20 सेकंड का बना लेंगे एंड उसके बाद जो है इसके बाद आप सभी को जो है क्या करना है, इसके बाद जो है थोड़ा 20 सेकंड का इसको और कर लेते हैं और अभी हुआ नहीं है, ठीक है। थोड़ा और कम करेंगे एंड यहाँ पे जो है अभी 20 सेकंड का बन चुका है, ठीक है। तो गाइज आप सभी को जो यहाँ पे लेयर वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड आपको जो ये वाला ऑप्शन दिख रहा है ओवरले वाला, इस पर आप सभी को क्लिक कर देना है। एंड उसके बाद देखिए गाइज यहाँ पे लेवल अप वाला ऑप्शन है मेरा, तो मैंने देखिए गाइज यहाँ पे बहुत सारे दुनिया भर के ये हैं मेरे पास, मैं चाहूँ तो कोई सब यूज़ कर सकता हूँ। बट मैं पहले आप सभी को यूज़ करके दिखाऊंगा एंड उसके बाद आप सभी को कैसे डाउनलोड करना है और क्या प्रोसेस है इसका तो मैं वो बताऊँगा। तो गाइज पहले तो मैं ये वाला ऑप्शन ले लेता हूँ, ठीक है। जैसे कि यार ये वाला काफ़ी अच्छा लग रहा है तो इसको मैं कुछ इस टाइप से इसका साइज़ बढ़ा करके एंड यहाँ पे एंड थोड़ा सा यहाँ पे साइज़ कम ही कर लेते हैं क्योंकि अभी हमें लोगो भी लगाना है ना अपना, जो कि मतलब वो तो वहीं से लग जाता है ये क्रोम से। तो हम इसमें ये फेड वाला लगा लेंगे, ठीक है, फेड वाला एनिमेशन। एंड इसके बाद जो इसका अभी इसे जो हमें 20 सेकंड तक कर लेना है क्योंकि यार जो लास्ट में 20 सेकंड तक ही दिखाना है ना ये। तो उसके बाद हम दोबारा इस पर क्लिक करेंगे लेयर पे एंड ओवरले वाले ऑप्शन पे जाएंगे एंड ये लेवल अप पे जाएंगे एंड आपसे हम जो इस वाले ऑप्शन को ले लेंगे जो हमें वीडियो के लिए यूज़ करना है। तो आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मैं आज आपको ये एग्जांपल के तौर पे ये वाला यूज़ करके दिखाऊंगा। तो उसके बाद हम आप सभी को इस पर क्लिक करना है एंड आप सभी को कुछ इस टाइप से यहाँ पे इसको लगा देना है जैसे कि आपको दिख रहा होगा। कुछ इस टाइप से लगा देने के बाद आप सभी को फिर क्या करना है, आप सभी को जो है यहाँ से इसका डुप्लीकेट बना लेते हैं। तो गाइस पहले अभी डुप्लीकेट बाद में बना लेंगे, पहले हम इसको पूरा 20 सेकंड कर लेते हैं एंड गाइस अब हम इसका एक डुप्लीकेट बना लेंगे, ठीक है। तो इस थ्री डॉट पर क्लिक करके एंड एक डुप्लीकेट कर लेंगे एंड उसके बाद हम इस पर क्लिक करके हम इसको एक इस साइड को ला देंगे। आप जो चार वीडियो लगाना चाहते हो वैसे आप चार का बना सकते हो, दो का लगाना चाहते हो दो का बना सकते हो, आपकी मर्जी है, डुप्लीकेट करके आप कर लेना। बाकी गाइस मैंने आप सबको ये भी बता दिया कि आप सबको ये कैसे बनाना है, ठीक है। तो ये मैंने गाइस आप सबको एग्जांपल के तौर पे बताया, बाकी यार आप जब बनाओगे तो काफ़ी अच्छे तरीके से बनाना एकदम औसम तरीके से। अब आपको डाउनलोड कैसे करना है आप सबको बता दूँ, तो ये आप सबको गेट मोर वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, आप सबको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। और सॉरी गाइस मैंने डाटा को बंद कर लिया तो मैं आप ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो ओपन करते मैंने डाटा को अपना एंड उसके बाद गाइस मैं आप सबको बताता हूँ। देखिए ये एक्शन वाला ऑप्शन में जाओगे तो आपको यहाँ पर काफ़ी दुनिया भर के एनिमेशन मिल जाएंगे, ठीक है गाइस। तो आप यहाँ से जैसे कि मैं आपको ये वाला ओपन करके दिखाता हूँ, तो गाइस देखिए यहाँ पे आपको सिंपली डाउनलोड वाला ऑप्शन में क्लिक कर देना, डाउनलोड हो जाएगा ये, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे जो है हमारा मतलब कि जितना भी मैंने आपसे प्रोसेस था मैंने सब कुछ बता दिया है, ठीक है। एंड यार अगर वीडियो में कुछ कम रह गया हो तो यार आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को अच्छे से बिल्कुल बता सकूँ। तो यहाँ पे हम इस वीडियो को सिंपली एक्सपोर्ट भी यहाँ से एक्सपोर्ट वाला ऑप्शन पे एक्सपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो जो भी है मतलब कि यार मेरे से जितना हो पाया इस वीडियो में, मैं जितनी तरीके से मैं अपनी वीडियो को एडिट करता हूँ मैंने सब कुछ इस वीडियो में आप सभी को बता दिया है। तो गाइस आई होप कि यार आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, यार वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना एंड यार मैंने एंड स्क्रीन में आप सभी के लिए दो वीडियो लगाई है, तो प्लीज़ यार इन दोनों में से जो सी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो उसको आप क्लिक करके वीडियो को जाकर वॉच करो। एंड यार आप मेरे चैनल की कोई और वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल के लोगों पर क्लिक करके आप वहाँ जाकर मेरी कोई भी वीडियो देख सकते हो। बाकी गाइस मैं मिलता हूँ सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।